आपको कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। हम एनटीए नेट एग्जाम पेपर 1 यूनिट 4 का जो है हमारी कम्युनिकेशन है, और ये मैं उसी के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। साथ के साथ मैं आपको जो है कंटेंट कम्प्लीटली अवेलेबल कराऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर, और हम पेपर 2 कॉमर्स को भी साथ के साथ कम्प्लीटली पढ़ेंगे। आइए अब हम हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन है, इफ इट इज अज्यूम्ड दैट कम्युनिकेशन हैज नो बिगिनिंग और एंड। अब इसके अंदर क्वेश्चन को समझें, इसने कहा है अज्यूम का मतलब कि मानना। अज्यूम का क्या मतलब होता है कि मान लो, मानना। इफ इट इज अज्यूम्ड, अगर हम मान लेते हैं दैट कम्युनिकेशन हैज नो बिगिनिंग और एंड, कम्युनिकेशन की ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कम्युनिकेशन कैसी है। सबसे पहले हमने क्या माना है कि कम्युनिकेशन की ना शुरुआत है और ना ही कोई एंड है, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या इसका मतलब मेडिटेशन है, यानी कि आप जो है मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब कि मॉर्निंग में आप जैसे कि शांत रहने के लिए कर रहे हैं, तो वो हम नहीं कर रहे, ये कोई मेडिटेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है, क्या ये इंटरेक्शन है, क्या हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या उसमें कोई हमारी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता? होता है, दो इंसान बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एंड पॉइंट होता है हमारा। नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन, क्या हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं? बैंक के अंदर हम जाते हैं और 10,000 रुपये जो है डिपॉजिट करा के आते हैं, तो ये क्या है, हम एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन क्या एक हमारी ट्रांजेक्शन है? तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो अगर हम मान लें कि कम्युनिकेशन की ना ही शुरुआत है और ना ही कोई एंड है, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन क्या है, हमारा एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन क्या है, एक हमारा प्रोसेस है। प्रोसेस यानी कि ये चलता ही रहेगा। ये जैसे कि सेंडर है और ये रिसीवर है, सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीवर फीडबैक दे रहा है, फिर रिसीवर हो सकता है कि क्वेश्चन भी पूछ ले और सेंडर जो है उसका रिस्पॉन्स भी दे, तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।